स्टैटिक की बात करेंगे, डायनेमिक्स तो बात ही नहीं करना है। तीसरा टॉपिक लिखा था सरफेस टेंशन। अब स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन। सर यहां पर देखो एक लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाइन को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड एट द बल्क इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स सरफेस। फ्रॉम इट्स सरफेस, किसी भी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है बल्क में, मतलब अंदर, वो पूरे के पूरे डिफरेंट है उसके सरफेस, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, जिसका हम लोग नाम पढ़ना ले सरफेस टेंशन। क्या पढ़ना ले बच्चों? सरफेस टेंशन। अब जरा यहां पर ध्यान से समझो ये है क्या। देखो क्या होता है, कोई भी अगर आप लिक्विड या गैस, मैं यहां पर ज्यादातर लिक्विड की बात करूंगा बच्चों, तो जब आप किसी लिक्विड की सरफेस को ध्यान से देखोगे ना, तो वो जो लिक्विड की सरफेस है ना, वो अपने आप को स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा रखती है। किसके जैसा? मतलब वो अपने आप को खींच के रखती है। कैसा रखती है? खींच के रखती है। और कुछ इस तरीके से कि अगर आप उसके ऊपर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज घर पे जाके ट्राई करना, पानी लेना, पानी के ऊपर ना हल्के से ब्लेड को रखना, आप देखोगे ब्लेड पानी के ऊपर फ्लोट करे। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? अरे वो वजनी है ना, आयरन है, तो डूब जाना चाहिए। अगर आप ऐसा डाल दो, ऐसा डायरेक्टली फेंक दो तो डूब जाएगा। हल्के से रखोगे तो तैरेगा, उसके ऊपर फ्लोट करेगा। मच्छर को देखो, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी की जो सरफेस है ना, वो अपने आप को क्या करते हैं? स्ट्रेच करके रखते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे आ रहा है, जरा इसको समझाओ हम लोग। तो जरा नोटिस करो यहाँ, इसके लिए अपने को एक थ्योरी दिया है बच्चे लोग बुक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछता है, जरा इसको अच्छे से समझो। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, बाद में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर मैं इसको समझाऊंगा। पहले इस थ्योरी को समझ लो कि ये सरफेस टेंशन है क्या, पहले इसको समझ। आप देखो बच्चे, मान लो कि अपने पास एक कंटेनर है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई वाटर का मॉलिक्यूल लू, यहां पर क्या लू, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल के पास यहां पर से, 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 हर जगह से वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखे उसको, हर कोई उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा होगा। मतलब उसके ऊपर जो फोर्स है वो हर जगह से क्या है? सेम। देखो जब सेम पार्टिकल की वजह से फोर्स आता है ना, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोहेसिव। कोहेसिव मतलब दो चीज अगर आपको जोड़ना है और दोनों अगर सेम है तो उन लोगों के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव। आप देखो फेविक्विक वगैरह खरीदते तो उस पर एडहेसिव लिखा है। एडहेसिव क्योंकि वो दो डिफरेंट चीज को ज्वाइंट करने के काम आना है। सेम चीज के बीच में जो फोर्स है, जैसे वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो कोहेसिव है, बट वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, तो सर यहाँ पर जो फोर्स है वो कहाँ पर लग रहा है? नीचे की तरफ। नेट फोर्स कहाँ पर है? नेट फोर्स कहाँ पर है? डाउनवर्ड फोर्स। नेट फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड फोर्स। मतलब यहाँ का पार्टिकल क्या करेगा? नीचे जाएगा। हाँ। और उसकी जगह कौन आएगा? नया पार्टिकल आएगा। अरे हाँ है ना, ये क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? देखो आपको सरफेस देखने पर लग रही है कि स्टेबल, देखने पर पानी ऐसी लगता है ना, ऊपर कुछ हो रहा नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर जाकर देखोगे ना, वाटर के मॉलिक्यूल बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे रुके हुए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेट फोर्स क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पर है? एक बात बताओ, अगर यहाँ पर फोर्स है, ये यहाँ पर नेट फोर्स कहाँ पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये सरफेस क्या चाहता है? ये सरफेस चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। हर कोई यही चाहता है ना कि मैं क्या रहूं? और स्टेबल कब होगा? जब एनर्जी कम से कम होगी। एनर्जी कब कम होगी? जब फोर्स कम से कम होगा। अरे हाँ है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से पार्टिकल बार बार ऊपर नीचे कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि ये सरफेस क्या चाहती है? कि मैं अपने आप को क्या करूं? स्टेबल। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने एनर्जी को कम करना पड़ेगा। आया ना भाई?
एनर्जी को कम करना मतलब फोर्स को कम करना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्स को हम लोग क्या करना है, कम करना, फोर्स को क्या करना है, फोर्स को कम करना है, फोर्स को कम करना है, तो ये कैसे कम होगा? फोर्स को अगर कम करना है तो कैसे कम? देखो जितना कम एरिया होगा उतना कम फोर्स होगा, अरे हाँ है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इसीलिए इसीलिए ये सरफेस जो है ना वो चाहती है कि मैं अपने सरफेस एरिया को क्या करूं, कम से कम, कम से कम क्यों करना चाहिए वो, ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि वो क्या हो सके, तो सरफेस जो है ना ये जो सरफेस एरिया है वो अपने आपको मिनिमाइज करने की कोशिश कर, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो क्या रहे, स्टेबल, ताकि वो क्या रहे, मतलब वो अपने पार्टिकल्स को खींच खींच के अपनी तरफ लेकर आ रहा है कि वो कैसा रह सके, स्टेबल, खींच रहा है ना, टेंशन आ रहा है सबके बीच में, स्ट्रेच हो गई है सरफेस, कैसी हो गई है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। समझा मैंने क्या बोला? मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना बच्चे लोग कि अगर मेरे पास कोई गिवन वॉल्यूम है, क्या है, मेरे को उसको सबसे कम सरफेस एरिया में रखना है, सबसे कम सरफेस एरिया में, तो कौन सा शेप मैं बनाऊं, कौन सा शेप मैं, तो आपका आंसर है पता है, आप लोगों को पता नहीं होगा, इसका आंसर आएगा स्फीयर, इसका आंसर क्या आएगा, स्फीयर, सेम वॉल्यूम का अगर मैं सिलेंडर बना दूं और सेम वॉल्यूम का मैं स्फीयर बना दूं, सरफेस एरिया सबसे कम किसका होगा, इसीलिए आप देखो पानी की बूंद जब आसमान से गिरती है तो वो स्फेरिकल शेप में दिखती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने सरफेस एरिया को क्या करे, मिनिमाइज करे, हाँ है ना, और मिनिमाइज कौन से केस में पॉसिबल है, सबसे कम स्फेरिकल से। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप देखो घर के ऊपर जब दरवाजे पे ठक ठक होती है, हम लोग जाते दरवाजा खोलते देखते मेहमान है, तो दरवाजा सीधा ऐसा मुंह से बंद करते और भागते हुए घर पे जाते, सारा पलंग पे सामान बिखरा है, सबको ऐसा लपेटते जोर करते और सीधा अंदर डाल के आइए आइए बैठिए, करते कि नहीं, अरे हाँ ना, जाने अनजाने में आपने उसको स्फेरिकल शेप में लाए, क्योंकि ये बात आपको पता है कि स्फीयर का एरिया सबसे कम, समझा कि नहीं भाई, तो अगर मुझको, अरे सुनो भाई, मुझको एरिया क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा उसको अपने सरफेस एरिया को कम, कौन से शेप में लाऊं, लास्ट ईयर जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था एक बच्चे ने बहुत अच्छा, जिस टाइम पे मैंने उसको पढ़ाया था उसके सेकेंड डे ना उसने मुझे एक इमेज भेजा था, पत्ते के ऊपर रोज गिरती है ना, कभी नोटिस करना स्फेरिकल शेप में, समझ में, बड़ा देखो बड़ा साइज रहेगा ना बच्चे लोग, साइज अगर बड़ा रहेगा तो ग्रेविटी की वजह से साइज की बात है, उसका शेप क्या हो जाएगा, अगर छोटा पार्टिकल होगा ना तो आपको कैसा दिखेगा, बिकॉज इट ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ताकि वो क्या क्या रह सके, समझ में आया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और, मान लो ये पूरा पानी से भरा हुआ है, मैं यहाँ पर एक नीडल रख देता हूँ जिसकी लेंथ L, जिसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर भी फोर्स आ रहा होगा, अरे ये खींचने की कोशिश करेगा ना, ऐसे यहाँ पर भी इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, आया ना भाई, फोर्स लग रहा होगा ना, मैं सरफेस टेंशन डिफाइन कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन को S या T दोनों से लिख सकते हैं, आपकी बुक में जो भी दिया हो, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट, मतलब ये जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इसका जो लेंथ, ये दोनों के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एस से डिनोट करो या टी से, आपकी फॉर्मूला बता रहा हूं भाई, मैथमेटिकल फॉर्म में भी तो लिखना है ना, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, सरफेस टेंशन, समझा, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था बट मैं बना नहीं पाया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको बताऊंगा आप लोगों को, कि जब आप ये घर पे भी जाके ट्राई करना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्या करो, पानी लो उसके अंदर सर्फ को डिसॉल्व कर दो ताकि उसमें अच्छी खासी झाग बने, और उसके बाद कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम वगैरह अगर आपके घर में हो या नहीं है तो आप उसकी जगह पर वो कड़ा आता है ना सी टाइप का वो उसके अंदर डिप कर, तो हम लोगों को पता है उसके ऊपर वो पूरा बबल क्लियर बन जाता है, और उसके ऊपर ना फिर क्या करो, एक धागा लो, धागे को बांध दो, दोनों एंड धागे की क्या कर दो, बांध दो, रैंडमली उसको ऐसा गिरा दो उस फ्रेम के ऊपर, क्या कर दो, सोप बबल पर क्या कर दो, उसको गिरा दो, और उस धागे जैसे एग्जांपल बना भी लेट्स से ये कड़ा था, इसके अंदर पूरा क्या, किसकी फिल्म है, सोप की फिल्म, ठीक है, या जो भी डिटर्जेंट आपने यूज किया, मैंने इसमें धागे को ऐसा रैंडम गिरा दिया, अब जैसे ही आप देखो, अब यहाँ पर इसके अंदर भी सोप फिल्म है और इसके बाहर भी, आप जैसे इसको प्रिक करते हो ना तो ये सडनली थ्रेड ना ऐसा हो जाए, क्यों,
देखो आपने अंदर की फिल्म ब्रेक कर दी और ये जो एरिया ही अपने आपको क्या करना चाहता है, कम से कम ना, तो ये सब इसको खींचेंगे हर डायरेक्शन में, ये सब इसको क्या करेंगे हर डायरेक्शन, तो ये कैसा दिखेगा आपको, स्फेरिकल। आज घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, नहीं टाइम नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लास में ट्राई करके बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं भैया, ये अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहा है इसीलिए इसका शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल। समझा कि नहीं? अरे हाँ या ना, पक्का? कुछ एग्जाम्पल और देखो, आप लोग देखेंगे लड़की लोग जब बाहर नहा के निकलते हैं तो उन लोग के बाल पूरे गीले होते हैं, है ना, अक्सर अम्मी को देखते हैं, वो लोग बाहर आते हैं पतला सा कपड़ा लेते, बाल पूरा ऐसा आगे कर लेते चुड़ैल के जैसा, और उसके बाद कपड़े को लपेटते फाट 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 मारते, नोटिस किए आया ना, देखे ना क्या कर रहे, सुखा रहे। देखो उन लोग को पता है गीले बाल में कंघी करेंगे, बाल गीले, बाल क्या है, वॉटर क्या करता है सरफेस एरिया को कम से कम, तो बाल सब आपस में क्या रहेंगे, उलझे रहेंगे, बाल में कंघी चलेगी, इसीलिए बाल को क्या करते हैं, सुखाते। बाल अगर सूख गया सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया क्या होगा, अब तो है ही नहीं, तो वो लोग करीब करीब कंघी आसानी से हो सकेगी, साइंस। समझ में आया? अरे हाँ या ना, देखिए कुछ लोग ये भी करते हैं, बाल के अंदर बड़ा सा ऐसा क्या टॉवेल बांध के घूमते हैं आधा घंटा, बाल नीचे सूख जाता है फिर उसको झाड़ते हैं, देखियो कि नहीं, क्या कर रहे, सरफेस एरिया कम कर रहे थे वो लोग। समझ में आ रहा है? अच्छा कुछ जो मॉडर्न होते हैं वो लोग हेयर ड्रायर लेके सुखाते हैं, है कि नहीं, हेयर ड्रायर क्या कर रहा है, पानी उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, पानी उड़ाएगा तो बाल आपस में चिपकेंगे, क्यों नहीं चिपकेंगे सर, पानी नहीं है, पानी रहता तो सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता, अब तो है ही नहीं, और नहीं है तो फिर टेंशन। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ आया ना, पक्का? कुछ दिक्कत, साइंस देखो कहाँ कहाँ पे, कुछ लड़की लोग होते ना ऐसा बाल बाल बना लेते हैं, उसके बाद एक ऐसी लट लटका के छोड़ देते, अभी बार बार ऐसा उठा के ऊपर करते थे, नहीं देखे, और फिर बॉयज देखते रहते, नहीं देखते है यार, जोक्स अपार्ट, बैक टू द टॉपिक, मैं ये बोल रहा था सुनो भाई, तुम लोग के लिए लाइन बोल रहा हूँ, हाँ, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, और जो लड़का उसको प्यार समझे वो गधा है, ठीक है, सही बोला ना? अरे बैक टू द टॉपिक यार, एक एग्जांपल में घुसे बाहर आओ, एक एग्जांपल में घुसे सर, दूसरा एग्जांपल लेते, सरफेस टेंशन का एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आप लोग देखेंगे बच्चों, हम लोग खाना कपड़े पे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कपड़ा जब धोते हैं ना बच्चे लोग, अगर वाटर का सरफेस टेंशन देखो, प्योर वाटर, प्योर जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसका सरफेस टेंशन 0.0375 के आसपास, अच्छा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो वाटर का सरफेस टेंशन कितना है, 0.0375 न्यूटन पर मीटर, ये वाटर का सरफेस टेंशन। अगर आप इसमें कोई सलीबल चीज ऐड कर दो, जैसे आप डिटर्जेंट वगैरह जब ऐड करते हो तो इसका जो सरफेस एरिया है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्जेंट के बाद इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 0.03 न्यूटन पर मीटर, कितना आ जाएगा 0.0, कम हो गया, सरफेस टेंशन क्या हो गया, पहले ज्यादा था अब क्या हो गया, अब इस बात को समझो, देखो सरफेस टेंशन कम हुआ मतलब क्या, मतलब ये है कि अब वो अपने आप को खींचने की कम कोशिश करे, पहले ज्यादा कर रहा अब क्या करेगा, देखो मैं बता रहा हूँ कपड़ा साफ क्यों होता है, अगर आप लोग देखो, आप लोग फैब्रिक्स को अगर देखो बच्चे लोग, तो ऐसे बहुत सारे धागे होते हैं ना, इनके बीच में जाके कचरा फंसा है, अब वाटर क्या करता है, अरे जो पानी है अपना वो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, बड़े साइज के, तो वो इसमें एंटर नहीं कर, अरे पानी गिर गया ना, पानी गिर गया, वो लोग खींच के रखे अपने आपको स्फेरिकल शेप में, उसके अंदर जा रहा नहीं, बट जैसे ही मैंने उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड किया, सरफेस टेंशन क्या हुआ, जो फोर्स था वो क्या हो गया, अब वो लोग इसके अंदर जा सकते हैं, कचरे को खींच के बाहर निकल, अरे समझा कि नहीं भाई, इसीलिए डिटर्जेंट जब आप ऐड करते हो
तो ये आसानी से कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता। आप गर्म पानी में देखो कपड़ा आसानी से साफ होता है। गर्म पानी से फायदा क्या है, देखो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना बच्चे लोग, टेम्परेचर अगर तो सरफेस टेंशन कम, टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन। अभी तो वही तो लॉजिक एक्सप्लेन किया था, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो सरफेस टेंशन कम, मतलब पानी आसानी से फैब्रिक के अंदर जाएगा और कचरे को क्या करेगा, साफ करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब आप बोलेंगे सर ऐसे ही कुछ बताओ कि मेरा दिमाग भी साफ हो जाए, है कि नहीं? तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप लोग अक्सर देखते हैं खाना जो होता है बच्चे लोग, गर्म खाने में मजा आता है, ठंडे में नहीं मजा आता। क्यों? अभी मैंने बताया अगर टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन। अब आप कुछ सोचो ना, गर्म खाना, देखो अपने जबान के ऊपर ना पोर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, अलग अलग टेस्ट बर्ड हम लोग को अलग अलग चीज बताता है। आप जब गर्म खाना खाओगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम, वो दूर तक के फैलेगा, वो दूर तक के फैलेगा, मतलब अलग अलग बर्ड्स पर जाएगा, खाने का टेस्ट आएगा। जब ठंडा होगा तो फैलेगा, फैलेगा नहीं तो टेस्ट आएगा क्या? समझ में आया? इसीलिए आप देखो गाय बैल को जब हम लोग खाना के बेचारे हाँ करके खाते, नोटिस कियो, वो लोग खुद ही अपने पूरे टेस्ट बर्ड पे लेके जाते हैं, कि नहीं? ठंडा खाते हम लोग तो हम लोग को भी फिर मजा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो फैल रहा। समझ में आया? अगर सरफेस टेंशन कम है तो फैलाओ ज्यादा, और सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है तो फैलाओ। समझ में आया कि नहीं? हाँ है ना, इससे एक बात समझ में आई, टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन, और अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ में आया गाय भाई बड़ की क्यों खाते हैं? पक्का। एक एग्जांपल और, वो देखियो परफ्यूम, देखियो परफ्यूम, परफ्यूम देखो जब स्प्रे करते हैं तो ठंडा लगता है, क्यों? उसके जो पार्टिकल है बच्चे लोग, उसके जो पार्टिकल है उसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, हम लोग ने उसको भर दिए थे सिलेंडर के अंदर, हम लोग ने क्या कर दिए थे, उसको फील कर दिए थे। अब हम लोग ने जब उसको उस सिलेंडर के अंदर फील किए, जब आप उसको रिलीज करते हो तो पार्टिकल क्या करते हैं, बाहर आते, पार्टिकल क्या करते हैं बाहर, बाहर आएंगे तो उन लोग को एनलार्ज होने की जगह मिलेगी, उनको एनलार्ज होने की क्या मिलेगी, दूर दूर है ना पार्टिकल, तो वो पार्टिकल कैसे है, दूर दूर है। मैं बोलने का मतलब ये कि उनका सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कैसा दिखेगा, ठंडा। अरे अभी तो बताया टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन ज्यादा तो टेम्परेचर, रिवर्स है ना दोनों के बीच में, तो मैं बोल रहा हूँ उनका सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? चाय भाई देखियो चाय बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हम लोग तो चाय बना के जब रखते, गर्म है, गर्म है तो फैलाव ज्यादा है, बट जैसे जैसे वो ठंडा होती है, जैसे भी सारे लेट मी कंप्लीट माई टॉपिक फर्स्ट। मैं ये बोल रहा था कि चाय या दूध वगैरह जब हम लोग रखते हैं बच्चे लोग, तो आप देखो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हम लोग जब वो दूध को रखते हैं तो जैसे जैसे वो ठंडा होता है उसके ऊपर लेयर जमना स्टार्ट होता है, जब तक कि वो गर्म था वो फैला हुआ था, जैसे जैसे वो कूल्ड होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होने लगा, वो लोग ने अपने सरफेस को कम करना स्टार्ट किए। अरे टेम्परेचर कम तो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन ज्यादा तो अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इसीलिए ऊपर की लेयर पे देखो हम लोग को मलाई वगैरह दिखती है, ठंडे होने पर दिखती है, गर्म पे नहीं। समझ में आया? देखो रियल लाइफ में कितनी जगह हम लोग सरफेस टेंशन का यूज करते हैं, हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत? क्लियर सरफेस टेंशन? दैट्स ऑल फॉर टुडे।